लगातार हो रही बारिश से धनबाद कोयलांचल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। निगम के दावों की भी पोल खुली नजर आ रही है। शहर के निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कई कॉलोनियां में कमर से ऊपर तक बारिश का पानी भर चुका है। फोरलेन सड़क होने के बावजूद सड़क पे लबालब पानी भर गया। लगातार बारिश की वजह से सड़कें जर्जर हो गई हैं, बिजली गायब है और जलापूर्ति ठप है। आम लोगों को अब काफी परेशानी हो रही है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजकुमार जायसवाल ने। आपके हंस विहार कॉलोनी इलाके में है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से पूरी कॉलोनी जो है वो जलमग्न हो चुकी है। लोगों के घरों में छाती भर पानी, यूं कहें कि कमर से ऊपर तक पानी पहुंच चुका है और जो लोग हैं वो भले ही बाल्टी और आदि का सहारा लेकर पानी निकालने का प्रयास कर रहे थे कुछ समय पहले तक, लेकिन यह निचला इलाका होने की वजह से और नाली जो बनाई गई थी नगर निगम की तरफ से वो प्रॉपर वे में नहीं बनाई गई थी, जिसके वजह से इस कॉलोनी की स्थिति हर बार बरसात में नारकीय हो जाती है और इस बार भी यही स्थिति हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो परेशान हैं और सबसे अहम बात यह कि हर बार यहाँ पर यही नज़ारा दिखता है लेकिन निगम की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की जाती। सामने का नज़ारा देखिए, धनबाद नगर निगम की एक गाड़ी जो है वो आई हुई है, यहाँ से कुछ समय पहले तक पानी निकासी का काम कर रही थी लेकिन उसमें भी डीजल जो है वो खत्म हो चुका है और डीजल खत्म होने के बाद में यह गाड़ी भी अब यह जो निगम की जो मोटर आप देख रहे हैं वह भी अब जवाब दे चुकी है। तो किस तरह से लोग परेशान हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जो परेशानी है वो सीधे तौर पे दिख रहा है कि लोग जो हैं बाल्टी से और मग से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं घर से। हालांकि यह जो पानी निकासी का जो प्रयास है उनका असफल प्रयास कहा जाएगा। आप देख सकते हैं कि लोगों की कोशिश यही है कि पानी किसी तरह से घरों से बाहर निकाला जाए। बहरहाल जो लोग हैं उनसे सीधे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से परेशानी लोगों की बढ़ी हुई है। भैया बताइए क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर, हर साल किस तरह से परेशानी? हर साल का है, ये नया नहीं है, हम लोग 20 साल से देख रहे हैं। मेरा दुकान है सामने, इस साल तो मेरा लाखों का नुकसान हुआ है। हर एक साल नुकसान होता है लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही मेरा नुकसान हो गया। दुकान के अंदर पूरा पानी चला गया है, मेरा मशीन डूब गया है, ये हर एक साल की स्थिति है। किस चीज का मशीन था? मेरा एक्सरे में डायग्नोस्टिक सेंटर है, मेडिकल में मेरा बहुत नुकसान हुआ। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। बताइए भैया, पिछले दो दिनों से जो बारिश हो रही है धनबाद के शहर को का जो सूरत है किस तरह से बिगड़ गया है? धनबाद की व्यवस्था इससे पता चलती है कि बढ़िया नहीं है और इससे नगर निगम की भी पोल खुल गई।